एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 ये हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं सवाल में आपको गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है एंड आपको इसमें प्रूव दैट क्या करना है। ठीक है, तो देखो सवाल आपसे ये कह रहा है कि ए से लेके बी पॉइंट, बी से लेके सी पॉइंट और सी से लेके डी पॉइंट अगर आप इसको ज्वाइन करें तो ये जो बॉक्स आप लोगों के पास बना है इस पर्टिकुलर बॉक्स को आपके क्वेश्चन वाले ने गिवन इन्फॉर्मेशन में कहा है कि ये पर्टिकुलर बॉक्स बेसिकली आप लोगों का क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये आपको आपके क्वेश्चन वाले ने कहा कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज बेसिकली अ पैरेललोग्राम। अब देखो अगर ये एक पैरेललोग्राम होगा तो ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करेगा। ठीक है, डिपेंड कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी की नीड है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वो इस बात पर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करेगा। आगे बोल रहा है कि ये जो साइड ए बी है, इस ए बी साइड का ये ई जो है मिड पॉइंट है और ये जो एफ है ये उस दूसरी वाली साइड डी सी का मिड पॉइंट है। यानी कि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ई ये जो है बेसिकली मिड पॉइंट है। ठीक है, ई इज़ द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, आपके ए बी का। एंड ये जो आप लोगों का एफ है, ये जो एफ है ये बेसिकली मिड पॉइंट है, किसका, आपके डी सी का। ये क्वेश्चन में कह रहा है अगर ई ए बी का मिड पॉइंट है इसका मतलब उसने क्या किया होगा, ए बी के दो बराबर बराबर टुकड़े किए होंगे। तो ए बी के दो बराबर टुकड़े क्या होंगे, एक टुकड़ा होगा ए ई और दूसरा टुकड़ा होगा बी ई। यानी कि आप ये लिख सकते हो कि ए ई इक्वल टू आपका बी ई। आपका जो पॉइंट एफ है उसने डी सी के दो बराबर टुकड़े किए होंगे, यानी कि आप ये लिख सकते हो कि डी एफ इक्वल टू एफ सी। ठीक है, ये वाला टुकड़ा डी एफ और ये वाला टुकड़ा एफ सी आपस में क्या है, इक्वल है। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है। अब इस क्वेश्चन का जो टू प्रूव है वो बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन में टू प्रूव करने को क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये लाइन सेगमेंट है ए एफ, ठीक है, मतलब आपने जो ये ए एफ ड्रॉ किया ए से लेकर ये पूरा का पूरा, आपने जो ये एफ तक की जो ड्रॉ किया ये आपने ए एफ इस तरीके से ड्रॉ किया है एंड ये जो आपने ई सी ड्रॉ किया ये इस तरीके से ड्रॉ हुआ है कि इसने डायगोनल बी डी को ट्राइसेक्ट किया। जैसे एक वर्ड होता था ना बाइसेक्ट, तो आप लोग क्या कहते थे कि मैडम बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स। तो वैसे ही यहाँ पे देखो एक और वर्ड आया है जिसका नाम है ट्राइसेक्ट, तो ट्राइसेक्ट का मतलब होता है थ्री इक्वल पार्ट्स। तो यानी कि आपको ये प्रूफ करना है कि इस क्वेश्चन में ए एफ को और इस क्वेश्चन में ई सी को इस तरीके से ड्रॉ किया गया है कि ए एफ और ई सी के ड्रॉ हो जाने के बाद उस बेचारी डी बी के तीन बराबर बराबर टुकड़े हुए। ठीक है, तीन इक्वल टुकड़े हुए, पहला टुकड़ा हुआ डी पी, दूसरा टुकड़ा हुआ पी क्यू और तीसरा टुकड़ा हुआ बी क्यू। ठीक है, सो टू प्रूव आपको बेसिकली ये करना है कि ये डी पी आपका पी क्यू और ये आपका बी क्यू, ये आपस में तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और ये बड़े वाले बी डी का कितना होगा, ये बड़े वाले बी डी का बाय थ्री होंगे। बाय थ्री क्यों होंगे, क्योंकि तीन इक्वल टुकड़े हुए हैं ना, क्योंकि तीन इक्वल टुकड़े हुए हैं इसीलिए बाय थ्री। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या हुए हैं, तीन इक्वल टुकड़े हुए हैं इसीलिए बाय थ्री। चलो ठीक है, मतलब पहले आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टू प्रूफ क्या करना है, ये क्या पहले आपको टू प्रूफ समझ में आया क्या कि हाँ मैडम ठीक है इस क्वेश्चन में हमको टू प्रूफ क्या करना है, ये हमको समझ में आ गया। चलो बढ़िया, अब हमको जो चीज प्रूफ करनी है उस प्रूफ करने वाले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो भी आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूफ करना है वो प्रूफ करने वाले पार्ट में अब हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा ठीक है,
तो अब आगे कैसे बढ़ेंगे बताओ, इस सवाल को आगे सॉल्व कैसे करोगे? तो सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या करें कि जिससे हम लोगों का ये सवाल जो है सॉल्व हो जाए। अच्छा ठीक है, देखते हैं। देखो सबसे पहले ये जो आपका ब्लू कलर का बॉक्स है, ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है AEFC, ये जो आपका ब्लू कलर का बॉक्स है, इस ब्लू कलर के बॉक्स को आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। हाँ अभी निकले 5 मिनट पहले। ठीक है, इस ब्लू कलर के बॉक्स को आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे इस ब्लू कलर के बॉक्स को पैरेललोग्राम? बहुत ही सिंपल है, कितनी बार हम कर चुके हैं, बाप रे बाप अभी तक। देखो आपको बोला गया है कि AB और DC आपस में इक्वल है। तुम पूछोगे मैडम कब कहा, किसने कहा, हमको तो नहीं पता। तो देखो क्वाड्रिलैटरल ABCD ये बेसिकली आप लोगों का एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये बेसिकली आप लोगों का एक पैरेललोग्राम है और ये इन्फॉर्मेशन आपको इस सवाल में पहले से गिवन दी है। ऐसा मैं कह रही हूँ नहीं, ऐसा आपको पहले से इस सवाल में गिवन दिया है। तो अगर क्वाड्रिलैटरल ABCD पहले से एक पैरेललोग्राम दिया है तो आपका AB और आपका CD इक्वल होगा। क्यों? अपोजिट साइड्स है ना, पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं, ये अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस AB को मैंने डिवाइड बाई 2 कर दिया, इस CD को मैंने डिवाइड बाई 2 कर दिया। अब कई लोग पूछेंगे मैडम आपने डिवाइड बाई 2 क्यों किया? क्योंकि आपको जो पॉइंट F है वो मिड पॉइंट कहा गया था ना, और उसके जो दो टुकड़े हुए थे, एक टुकड़े का नाम था AE और दूसरे टुकड़े का नाम था BE, और ये दोनों AE और BE उस AB बाई 2 के बराबर थे, इसीलिए मैंने किया। वैसे ही DC का मिड पॉइंट कौन था? F। तो उसके दो इक्वल टुकड़े हुए थे DF एंड FC, और वो दोनों टुकड़े DC बाई 2 के बराबर थे, और वो दोनों टुकड़े DC बाई 2 के बराबर थे। तो इसीलिए मैंने इसको डिवाइड बाई 2 किया, ताकि अब मेरे पास AB बाई 2 आ गया है। तो AB बाई 2 के बदले मैं AE भी लिख सकती हूँ, AB बाई 2 के बदले मैं BE भी लिख सकती हूँ, बट मैंने लिखा AE। मैं समझाऊंगी मैंने ऐसा क्यों किया, बट मैंने लिखा AE। CD बाई 2 की जगह मैं DF भी लिख सकती हूँ, मैंने FC भी लिख सकती हूँ, बट मैंने चूज़ किया लिखना FC, और इसका पहले तो मैंने रीज़न दे दिया गिवन। इससे ये प्रूफ हो गया कि मेरा AE और FC ये दोनों मेरे क्या हैं, आपस में इक्वल है। अब मैंने AE ही क्यों लिखा, BE क्यों नहीं? क्योंकि मुझको इंटरेस्ट था इस ब्लू वाले पैरेललोग्राम में, जिससे मुझे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, और इसमें AE आ रहा है, इसीलिए मैंने AE लिखा। DF एंड FC में से मैंने FC को ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि ब्लू वाले डब्बे में FC आ रहा है और मुझे FC में इंटरेस्ट है, इसीलिए मैंने FC को लिया। DF में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैंने DF को छोड़ दिया। अच्छा अब एक मुझे एक बात बताओ, क्वाड्रिलैटरल ABCD आप लोगों का पैरेललोग्राम है, इस बात से एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो तुम मुझे कहो कि मैडम इस बात से एग्री हम क्यों नहीं करेंगे? हम डेफिनेटली इस बात से एग्री करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये इन्फॉर्मेशन तो हमको गिवन डेटा में दी है। अगर क्वाड्रिलैटरल ABCD एक पैरेललोग्राम है तो उसकी AB और उसकी CD पैरेलल होगी। तुम बोलोगे बिल्कुल होगी, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की तो प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो बिल्कुल होगी। अब मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ, किसी साइड को छोटा कर देने से, किसी साइड को बड़ा कर देने से उसका पैरेलल नेचर डिस्ट्रॉय नहीं होता है। यानी अगर तुम इस AB को, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो इतना लंबा AB है, इसको छोटा करके अगर तुम AE लिख देते हो, और जो तुम्हारा इतना बड़ा DC है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको अगर तुम छोटा करके FC लिख देते हो, तो क्या तुम्हारा पैरेलल नेचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा? क्या नहीं होगा? यानी कि स्टिल तुम्हारा AB को AE कर देने से और CD को FC कर देने से पैरेलल नेचर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो आप कह सकते हो कि आपका AE और आपका FC आपस में क्या है, पैरेलल है।
हाँ, अगर कोई रीज़न पूछे कि ऐसा क्यों किया तो उसको बता सकते हो कि भाई मेरा ए पॉइंट, ई पॉइंट और बी पॉइंट आपस में कोलिनियर थे, मेरा सी पॉइंट, एफ पॉइंट और मेरा डी पॉइंट आपस में कोलिनियर थे, इसीलिए मैंने किया। अब तुम्हें शायद याद होगा कि हम लोगों ने पैरेललोग्राम का जब चैप्टर पढ़ा, यानी कि क्वाड्रिलैटरल वाला जो चैप्टर पढ़ा, उसमें जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की, उस फर्स्ट एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैंने आपको बहुत सारे टेस्ट पढ़ाए थे। तो उसमें से एक टेस्ट हम लोगों का क्या था, उसमें से एक टेस्ट हमारा ये था कि अगर कभी भी किसी भी क्वाड्रिलैटरल में आपको ऐसा दिखे कि उसका एक पेयर क्या है, उसका साइड का एक पेयर क्या है पैरेलल भी है और उसका वही एक पेयर कॉन्ग्रुएंट भी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ पर ये कह सकते हो कि टेस्ट नंबर फोर के अकॉर्डिंग, ठीक है, टेस्ट नंबर फोर के अकॉर्डिंग हम लोगों का वो पर्टिकुलर फिगर एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे भी देखो आपका एक पेयर ए ई इक्वल टू एफ सी आ गया है और आपका वही एक पेयर ए ई पैरेलल टू एफ सी आ चुका है। तो आप ये कह सकते हो कि आपका जो ब्लू कलर का डब्बा है ए ई सी एफ, ठीक है, क्वाड्रिलैटरल ए ई सी एफ, ये पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल एक पैरेललोग्राम है। तो इस क्वेश्चन में हमने ये प्रूफ कर दिया कि वो पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल एक पैरेललोग्राम है, बट हमको तो उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने को बोला ही नहीं था, फिर आपने क्यों कर दिया फालतू के। मुझे ऑब्वियस है कि इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है, जो चीज़ मुझे सॉल्व करने के लिए जो मेरे लिए नेसेसरी है, उस नेसेसरी चीज़ के लिए मैं ये सारा कार्य कर रही हूँ। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या ये एक पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा क्या, क्वेश्चन मार्क। तो तुम बोलोगे हाँ मैडम करेगा। तो अगर क्वाड्रिलैटरल ई एफ जो भी इसका नाम है, अगर वो एक पैरेललोग्राम है, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये वाला ई सी और ये वाला ए एफ आपस में पैरेलल होंगे। तुम बोलोगे हाँ मैडम ये वाला ई सी और ये वाला ए एफ पैरेलल होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम होता है तो उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल। सो देयरफॉर ई सी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, ए एफ। और इसका रीज़न हम लोग अगेन क्या देंगे, अपोजिट साइड्स, ठीक है, कि क्या थी, अपोजिट साइड्स थी जिसकी वजह से वो चीज़ें क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब अगेन मैं वही कहानी रिपीट करूँगी कि किसी चीज़ को, किसी साइड को छोटा या बड़ा कर देने से अगर वो एक साइड स्ट्रेट है तो उसका पैरेलल नेचर डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो यहाँ पे जो ये ई सी है, यहाँ पे जो ये ई सी है, मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे इस ई सी के बदले ये वर्ड लिखूँ सी क्यू। तो क्या सी क्यू लिख देने से, अच्छा, और मेरा जो ये इतना बड़ा लाइन सेगमेंट है ए एफ, उसकी जगह मैं चाहती हूँ कि मैं लिखूँ पी एफ, तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? तो बोलोगे बिल्कुल कर सकते हो मैडम, लाइन को छोटा बड़ा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ई सी की जगह मैंने लिख दिया सी क्यू एंड ए एफ की जगह मैंने लिख दिया पी एफ। अगर कोई मुझे पूछेगा इसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न हम देंगे कि सी पॉइंट, क्यू पॉइंट, ई पॉइंट कोलिनियर थे, ठीक है, ए पॉइंट, पी पॉइंट, एफ पॉइंट कोलिनियर थे, इसीलिए हम चीज़ों को छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि जो तुम्हारे क्वेश्चन का डायग्राम था, डायग्राम पे नज़र रखना अपनी, ठीक है, देखो मैं कौन से ट्राइंगल का बना रही हूँ, डायग्राम पे नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। मैं तुम्हारे डायग्राम में से ट्राइंगल डी सी क्यू को कंसिडर कर रही हूँ, मैं ट्राइंगल डी सी क्यू बना रही हूँ। तो इस ट्राइंगल डी सी क्यू में यहाँ पे डी सी के पास एक एफ पॉइंट है जो कि क्वेश्चन में पहले से मिड पॉइंट दिया था। इस डी सी क्यू के पास एक पी पॉइंट भी है जिसके बारे में क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं बोला गया कि वो मिड पॉइंट है कि वो मिड पॉइंट नहीं है, कुछ भी नहीं बोला। सोचो, हाँ, लेकिन अगर आप इस एफ पॉइंट और इस पी पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो अभी हमने प्रूफ किया है इक्वेशन नंबर वन में कि ये वाला पी एफ और ये नीचे वाला क्यू सी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यानी कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है डी क्यू सी, तो इस ट्रायंगल डी क्यू सी में आपको जो एफ है ये बेसिकली क्या दिया है, मिड पॉइंट दिया हुआ है किसका, आपके डी सी का।
कोई पूछेगा इसका रीज़न क्या है, तो इसका हम रीज़न देंगे कि गिवन है भाई ये इन्फॉर्मेशन तो। बट दूसरा वाला पॉइंट पी आपको मिड पॉइंट नहीं दिया है, उसके बदले आपको ये पता है कि वो पी एफ और वो सी क्यू आपस में पैरेलल होंगे और उसका रीज़न होगा फ्रॉम वन, है ना। हमने अभी अभी ऊपर इक्वेशन नंबर वन में प्रूफ किया। तो तुम्हें याद होगा कि मैंने तुमको बताया था कि अगर एक पॉइंट आपको मिड पॉइंट दिया है और दूसरी कंडीशन में आपको अगर चीज़ें पैरेलल दी हैं तो आप वहाँ पे लगा सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो अगर तुम यहाँ पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाओगे तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हो कि पी इज़ द मिड पॉइंट। पी क्या है? मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? डायग्राम में देखो डी क्यू का मिड पॉइंट है। अगर ये डी क्यू का मिड पॉइंट है तो आप ये कह सकते हो, ठीक है, कि डी क्यू के दो इक्वल पार्ट्स हो रहे होंगे, दैट इज डी पी इक्वल टू पी क्यू, ये हो रहे होंगे दो इक्वल पार्ट्स। क्या हमको यही प्रूफ करना था क्या क्वेश्चन में? एक बार देखो क्वेश्चन को जाकर देखो, हमको प्रूफ करना था कि डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू बी क्यू। तो इतना प्रूफ तो हमारा हो गया, ये अभी हमारा होने का है, ये वाला अभी हमारा होने का है, तो अभी हम उसको भी प्रूफ करेंगे। लेकिन कम से कम हमारा इतना प्रूफ तो हो गया कि डी पी इक्वल टू पी क्यू, बढ़िया, ठीक है। तो तुम ये सोचो, स्टार्टिंग में उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना, फिर उसकी अपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखाना, ये इतना सारा काम हमने किया क्यों? इतना सारा काम हमने इस ट्रायंगल में ताकि हम पी एफ पैरेलल टू बी सी लिख सकें, सॉरी पी एफ पैरेलल टू क्यू सी लिख सकें, इसीलिए हमने इतना सारा तामझाम किया। सोचो इतना सारा तामझाम, राइट? इतना सारा तामझाम आपने इसलिए किया। सिमिलरली अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने ऐसा लिखा था कि ए एफ, मतलब मैंने ऐसा लिखा था ना कि ई सी पैरेलल टू ए एफ, तो मैंने तुमसे क्या कहा कि एक काम करो, ये जो ई सी है इस ई सी को रिप्लेस कर दो सी क्यू से और ए एफ को रिप्लेस कर दो पी एफ से। मैंने कहा था कि नहीं कहा था? तुम बोलोगे हाँ मैडम कहा था। ऐसा मैंने क्यों कहा था? क्योंकि ट्रायंगल डी क्यू सी में मुझे पी एफ चाहिए था और क्यू सी चाहिए था, इसीलिए मैंने कहा था। यानी कि ये जो आपकी कंप्लीट ई सी है, ई सी कहाँ से कहाँ तक है, ये जो पिंक कलर का मैं ड्रॉ कर रही हूँ इसे ई सी कहा था, इस ई सी को मैंने अपने अकॉर्डिंग सी क्यू लिख दिया, छोटा कर दिया। तो एक स्टूडेंट डाउट नहीं पूछेगा कि मैडम फिर तो आप सी क्यू क्यों, आप तो ई क्यू भी तो कर सकते थे। तो मैं कहूँगी बिल्कुल, अगर मैं सी क्यू कर सकती हूँ तो मैं ई क्यू भी कर सकती थी। कोई स्टूडेंट बोलेगा मैडम आपने ए एफ को पी एफ कर दिया था। मैंने बोला बिल्कुल। तो वो बोलेगा मैडम पी एफ करने से अच्छा आप ए पी कर देती। मैंने बोला बिल्कुल, ए पी भी कर सकते थे, ए पी भी कर सकते थे। तो आप उनको कुछ भी कर सकते हो, आप उनके साथ कुछ भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उनमें भी पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर है। डिपेंड कि आपको रिक्वायरमेंट किसकी है, ये दोनों का सेम रीज़न है, ठीक है। डिपेंड कि आपको रिक्वायरमेंट किसकी है। तो मैंने जिस तरीके से सी क्यू पैरेलल टू पी एफ प्रूफ किया, सेम वही लॉजिक लगाकर मैंने ई क्यू पैरेलल टू ए पी प्रूफ किया। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके डायग्राम में मैं को एक और ट्रायंगल में कंसिडर कर सकती हूँ। कौन सा ट्रायंगल ले सकते हो आप मैडम? मैं ले सकती हूँ ट्रायंगल ए बी सी। अपने टेक्स्ट बुक में डायग्राम देखो, ठीक है, और देखो मैं सही ड्रॉ कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। मैं ले सकती हूँ ट्रायंगल ए पी बी। इस ट्रायंगल ए बी पी में यहाँ पे ई पॉइंट है जो कि क्वेश्चन में आपको पहले से मिड पॉइंट दिया है। यहाँ पे क्यू पॉइंट है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं बोला गया है। बट जब आप इस ई क्यू को ज्वाइन कर देते हो तो ज्वाइन करने के बाद ये वाला ई क्यू और ये ऊपर वाला ए पी आपको आपस में पैरेलल दिए हैं। ये वाला ई क्यू और ऊपर वाला ए पी आपको आपस में पैरेलल दिए हैं। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है, आप ये कह सकते हो कि आपका जो ई है
ये जो ई है, ई इज बेसिकली मिड पॉइंट. ई इज द मिड पॉइंट किसका? आपके ए बी का. और इसका आप रीजन दे सकते हो गिवन. आप ये कह सकते हो कि मेरा जो ई क्यू है ये पैरेलल है इस ए पी के. इसका आप रीजन दे सकते हो फ्रॉम टू. ये देखो हमने ऊपर इक्वेशन नंबर टू में इसको प्रूफ किया. सो अगर आपको एक मिड पॉइंट दिया है, एक आपको पैरेलल दिया है, तो आप वहाँ पे लगा सकते हो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. तो अगर आप कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हो कि वो जो ऊपर वाला क्यू है, ये क्यू जो है ये आपका अगेन क्या बन जाएगा, एक मिड पॉइंट बन जाएगा पी बी के. क्या बन जाएगा? पी बी का मिड पॉइंट. यानी कि पी बी के दो इक्वल टुकड़े हो रहे होंगे, एक का नाम होगा पी क्यू और दूसरा का नाम होगा बी क्यू. यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया कि पी क्यू इक्वल टू बी क्यू. गिव इट इक्वेशन नंबर फोर. और हमने ऊपर में क्या प्रूफ किया था? पी क्यू इक्वल टू डी पी. गिव इट इक्वेशन नंबर थ्री. तुम अगर इक्वेशन थ्री को और इक्वेशन फोर को कंपेयर करो तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इक्वेशन नंबर थ्री एंड इक्वेशन नंबर फोर में ऑब्जर्व करके कि मैडम पी क्यू यहाँ पर भी है, पी क्यू यहाँ पर भी है. तो यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ कि डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू बी क्यू. एंड आई थिंक हमको हमारे क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था कि वो जो लाइन है वो ट्राइसेक्ट कर हो रही है. हमको यही प्रूफ करना था कि हम लोगों की वो जो बड़ी सी लाइन है उसके तीन इक्वल टुकड़े हो रहे. तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि हम लोगों की जो बड़ी सी डायगनल बी डी है ये बेसिकली ट्राइसेक्ट हो गई है. इस ट्राइसेक्ट क्यों? क्योंकि उसके तीन इक्वल टुकड़े आ गए, इस ट्राइसेक्टेड. ख़त्म. यही हमारे क्वेश्चन का प्रूफ था. तो सवाल देखो बहुत ही छोटा सा था जो बहुत ही आसान तरीके से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से आ भी गया. बट जो इसका मेन की पॉइंट था वो बेसिकली सिर्फ इतना था कि स्टार्टिंग में उस फिगर को पैरेललोग्राम प्रूफ करना और उसके छोटे छोटे टुकड़ों को इस्तेमाल करना. अब कई लोगों का ये डाउट होगा कि मैडम हमें कैसे पता चलेगा कि हमको इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में ये छोटे टुकड़े को पैरेलल दिखाना है. तो देखो ये सारी चीज़ें ज्योमेट्री में वाया प्रैक्टिस ही डेवलप की जा सकती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें सवालों की, अपना दिमाग रन करने की कोशिश करें कि इसको ऐसा कर लेते तो कैसा होता, इसको वैसा कर लेते तो ऐसा होता, इसको वो कर लेते तो ऐसा होता, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, ट्राई करना पड़ता है, हो सकता है नहीं आ रहा हो सकता है आ रहा हो. ये सब की उधेड़ बुन में फिर जाके आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा. ठीक है, तो चलो 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हमारा फ़िलहाल यहाँ पे ओवर होता है. इस डिस्कशन को अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे रोकते हैं. इसके आगे की क्लास में हम लोग नए सवाल के साथ आगे कंटिन्यू